हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, यानी कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है या वो कैसे जाएंगे। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग भी करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। ओ वाओ, ओके। सो मेष राशि के लिए अगर मैं बात करूं करियर की, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम करियर से। सो करियर में तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना अप है ना डाउन है, जैसा चल रहा है वैसा रहेगा विद नेक्स्ट 24 आवर्स में। इनफैक्ट आप बैलेंस भी बिठाने की कोशिश करोगे और बहुत अच्छे से बैलेंस बिठाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल में एनर्जीज मुझे ज़्यादा डोमिनेंट लग रही हैं वो मुझे लग रही हैं लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप्स में। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू लव की बिगिनिंग हो रही है। हो सकता है कि या तो ये एक नया पर्सन है, या हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ कि जैसे काफ़ी न्यूनेस फील हो सकती है। कुछ हो सकता है आप नया करो, डेट पे जाओ अपने पार्टनर के साथ, बट नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो आपका हार्ट चक्र काफ़ी एक्टिवेट कर सकता है अब, ओके, वो ऐसे आपके साथ ऐसे बैलेंस बिठाएंगे, आपके साथ ऐसे इंटीग्रेट करेंगे जहाँ पे आपको डेफिनेटली ऐसा फील होगा। स्पेशली सिंगल जो लोग हैं या एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो रिलेशनशिप में नहीं हो लेकिन सिचुएशनशिप है, तो वहाँ पे तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, न्यू लव की एनर्जी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी वृषभ राशि। डिसेप्शन, डिस्ट्रप्शन, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ओके, सो सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँगी आपके करियर की। तो करियर में मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप शायद से नेक्स्ट 24 आवर्स में जो आपका ध्यान रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आप अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट करो। ओके, आप इतना कैसे कमाओ, या आपका जो गोल होने वाला है वो होने वाला है किसी एसेट को लेके। ओके, हो सकता है कुछ लोग घर के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेके किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, बट डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ जो आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगी। तो आपका जो मुझे फोकस है वो ये लग रहा है कि उस चीज़ को पाने के लिए मुझे क्या करना है। ओके, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने गोल को लेके इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो जाना कि आप गलत चीज़ें अपनाने लगो, ठीक। सेकंड चीज़, अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा बच के आपको रहने की ज़रूरत है, आके खोल के देखने की ज़रूरत है। ओके, डिसेप्शन का कार्ड आया है, किसी का कोई स्नीकी बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये आप खुद भी हो, लेकिन मुझे आपके पर्सन का ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा से स्नीकी हो सकते हैं आप जिससे भी डील कर रहे हो, ठीक है। वो आपकी कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। हो सकता है आप किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे हो और उनकी जो नज़र है वो है आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी फैमिली में कैसे बाधा लेके आए और ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे कोई एक इंसान है आपकी एनर्जी में जो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉक लेके आना चाह रहा है, या तो आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ, या आपकी घर की जो ज़िंदगी है उसके अंदर। ओके, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। अगर आपको 6 दिखता है, 666 दिखता है, तो ये एक कन्फर्मेशन होगा कि डेफिनेटली आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी मिथुन राशि के नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, सो अब आया है हमारे पास पेशेंस एंड प्लानिंग, अथॉरिटी, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो अगर मैं बात करूँ मिथुन राशि की, मिथुन राशि वाले जो हैं, सबसे पहले मैं लव लाइफ की बात करूँगी। मुझे आप किसी का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मुझे आप बहुत वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जैसे आप किसी चीज़ का पेशेंस रखा हुआ है आपने, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, आप शायद से आप इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हो, आप इतनी बात नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आप
आपसे आके बात करें. सो इट्स लाइक आप वेट कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा. ओके लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने की ज़रूरत है, बिकॉज जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो चीज़ नहीं होने वाली है या जल्दी से तो नहीं होगी. ठीक है, तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है. ओके अपनी लव लाइफ में या तो उस चीज़ को कुछ करो उस चीज़ को लेके या मूव ऑन करो. ओके रही बात आपके करियर की, करियर में आप मुझे एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन साथ साथ इन 24 आवर्स में मुझे साथ साथ ये भी लग रहा है कि ना जैसे आप चाह रहे हो कि जो चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएं या बहुत जल्दी ही एक पोजीशन पे पहुंच जाओ, बहुत जल्दी आपके पास एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आ जाए. वो चीज़ नहीं होगी. ठीक है, आपके लिए इन 24 आवर्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब तक आप उतनी मेहनत नहीं करोगे या एकदम से आपको चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम एफर्ट हर चीज़ देनी पड़ेगी जिस भी चीज़ के साथ अपने करियर में फाइनेंसेस में आप डील कर रहे हो, एकदम से चेंजेस नहीं आने वाले हैं एटलीस्ट इन नेक्स्ट 24 आवर्स. लेट्स सी कर्क राशि वालों का. ओके तो यहाँ पे आया है मूविंग ऑन ट्रुथ मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस. तो कर्क राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए डेफिनेटली करियर के अंदर, ठीक है, करियर में मुझे कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद से आपका ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने करियर से. ठीक है, आपका जो ध्यान है वो मुझे आपकी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपकी लव लाइफ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपने करियर में. ठीक है, कुछ नया करने का सोच रहे हो, कोई नई जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है अपने करियर में. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में भी इमोशंस को ऊपर रख रहे हो प्रैक्टिकैलिटी से. तो चीज़ों को एक बड़े पिक्चर से देखना है, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव या नज़रिए से देखना है, तभी उन चीज़ों में एक चेंज आएगा. ओके और अगर आपकी मैं लव लाइफ की बात करूँ, लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको ट्रुथ दिखाई दे सकता है. हो सकता है आपने अपने पर्सन को चूज़ किया लेकिन आपको फील होगा कि आपके पर्सन आपको हर बार चूज़ नहीं कर रहे हैं. ओके तो ये जो एक ऐसा ट्रुथ है जो आपको एक झटका दे के जा सकता है या आपको एकदम से रियलाइज़ होगा, लेकिन वही सच होगा जो आपको इस एनर्जी से मूव ऑन करवाएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग करने लग जाते हो, आप उन लोगों को प्रायोरिटाइज़ करने लग जाते हो जो आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं जितना ज़्यादा आप उनको करते हो. ठीक है, स्पेशली आपके पर्सन की मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपके पर्सन मुझे कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना या मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि. ओके तो सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की. करियर में मुझे डेफिनेटली एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है. ठीक है, हमारे पास सेक्रल चक्र का कार्ड है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हो, आप काफ़ी क्रिएटिव फील कर सकते हो. ठीक है, आसपास मुझे काफ़ी ग्लिटरी फैंसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके करियर में या आपके फाइनेंसेस में भी. ओके बट मुझे ना साथ में ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके करियर में कोई एक ऐसी की है या कुछ एक ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर आप बहुत जल्दी टैप करोगे, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क करोगे. ठीक है, हो सकता है वो आइडिया आपको बार बार आ रहा है लेकिन आप उसको दूर किए जा रहे हो. ठीक है, कि शायद नहीं ये काम नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है इन 24 आवर्स में कि आपको डेफिनेटली इस चीज़ पर थॉट देना चाहिए. और रही बात आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि आप सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पर, एक सफरिंग इन साइलेंस वाली चीज़ आई हुई है. और वो इसलिए भी है क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो जो
हो सकता है वो आपको बहुत टेम्प्ट करते हों, वो आपको गलत वे में मैनिपुलेट करते हैं, वो आपको गलत वे में कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो आपको विक्टिम बनके वो आपको अपनी साइड खींचना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही कोडिपेंडेंट वाला बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ही अटैचमेंट है, और ये अटैचमेंट वो प्यार वाली चीज़ नहीं है, ये पागलपन वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ से आप मेरे को थोड़ा सा सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कन्या राशि। ओके, अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो कन्या राशि आपको थोड़ा सा ना अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव होगे, चाहे वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना है, चाहे वो अपना दुख एक्सप्रेस करना है, गुस्सा एक्सप्रेस करना है, कुछ भी है, लेकिन जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव होगे, जितना ज़्यादा आप सही तरीके से कम्युनिकेट करोगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना ज़्यादा आपकी सेल्फ एस्टीम जो होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप सेफ फील करोगे। ओके, तो अपनी लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में या तो कोई ऐसी कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, या हो सकता है आप किसी से कम्युनिकेशन करो जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वो चीज़ करके, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ है, कोई विश है या कुछ भी है, उस चीज़ को कम्युनिकेट करो, ठीक है। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते तो उस चीज़ को जर्नल करो, उस चीज़ को लिखो, एंड उसके बाद आप देखना आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप या तो आप या आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये जो फीलिंग्स हैं बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी दिखाई, नॉट इवन रोमांटिक बट एक अफेक्शनेट केयरिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन बात आती है अगर आपके करियर की, तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है या जो भी आपने अभी तक अपनी लाइफ में किया है, उस चीज़ का अब टाइम आ गया है कि अब आप अपनी नॉलेज का और अच्छे से फ़ायदा उठा के उसको अपने करियर में लगाओ। और काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे बिजनेस भी दिखाई दे रहा है, जैसे हो सकता है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करके आए हो, सब करके आए हो, लेकिन अगर आप उसी नॉलेज को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो या 3D में एक्शन में लेके आते हो, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए हो सकता है कि अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, आप एक ऐसे टाइम से निकल रहे हो जहाँ पे आपको बहुत इमोशनली, आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो, आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और आपने किसी और को डिसअपॉइंट किया है, ठीक है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनों से लड़े किसी और के लिए, लेकिन वो जो कोई और इंसान है उसने इस चीज़ की बिल्कुल कदर नहीं की, और अब आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया इस इंसान के साथ। ओके, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे इस चीज़ की एनर्जी दिखाई दे रही है। इवन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एक्शन नहीं लोगे इस चीज़ के ऊपर, आप वेट करना चाहोगे, हो सकता है ये आपके पर्सन भी हों, ठीक है, कोई और या आपके जो पर्सन है वो काफ़ी बुरा फील कर सकते, लेकिन मुझे कोई एक्शन लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है दोनों में से। लेकिन ये जो टाइम है वो ये टाइम है जहाँ पे आपको विजडम गेन करने की ज़रूरत है, आपको अपने रिश्तों से सीखने की ज़रूरत है, ओके, कि आप कैसे रिश्ते बनाते हो, कैसे रिश्ते नहीं बनाते हो। और रही बात आपके करियर की, तो करियर में मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कोई एक गाइडेंस दे, आपको आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं। और ये जो पर्सन है ये मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन लग रहे हैं और एजड भी लग रहे हैं, तो अगर आप इनकी बात सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके करियर में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। लेट्स सी वृश्चिक राशि। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों के लिए
वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों को अपनी डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी चॉइसेस आएँ, काफ़ी ऑप्शंस आएँ, 24 आवर्स में आप मुझे थोड़े कंफ्यूज्ड भी दिखाई दे रहे हो सकता है आप थोड़ा डायरेक्शन लेस फील करो वृश्चिक राशि, आपको लगे जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं क्या वो एक सही डायरेक्शन है या नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को लेके थोड़ी सी दिमाग में कन्फ्यूजन रह सकती है, हो सकता है कि लोग भी आपको बोल रहे हो कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए जिस वजह से आपकी कन्फ्यूजन और बढ़े। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की तो लव लाइफ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं। आपको जो भी 3D में दिख रहा है, मतलब आपको जो भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दिख रहा है वो उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट कुछ भगवान आपके लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं आएगी मुझे लगता है। एटलीस्ट या तो वो 10 दिन के बाद आएगी, ठीक है, या जनवरी 10th जो है वो मुझे एक इम्पॉर्टेंट डेट लग रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे अगले साल का 10th महीना, ठीक है। तो आप इसको या तो सेव कर सकते हो या कुछ, बट मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ को लेके बहुत जल्दी आपको कोई डिसीजन बनाना नहीं है, आपको वेट करना है चीज़ों का। लेकिन इन टाइम को याद रखिए, या तो 10 दिन या 10th जैन या फिर 10 मंथ्स विच इज़ द 10th मंथ ऑफ 2024, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ओके, अगर मैं बात करूँ आपके करियर की तो करियर में पहली चीज़ तो ये कि नंबर 7 और नंबर 2 आपके लिए मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, रोमांटिकली भी है और ये आपकी वर्क लाइफ में भी है, ठीक है। लेकिन आपके थोड़े से बॉन्ड्स में, आपकी वर्क लाइफ में जो आपके बॉन्ड्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ सकता है, ठीक है। एक ऐसा चेंज हो सकता है जहाँ पे आपको अपना सही ओपिनियन रखना पड़े, और जो आप ओपिनियन रखो आप मेक श्योर करो कि आप उस पर खड़े भी उतर रहे हो, क्योंकि कुछ आपके बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हुए तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन वो बॉन्ड्स तभी स्ट्रांग होंगे जब आप अपनी विक्टिम एनर्जी में नहीं होंगे, या जब आप अपना एक्चुअली में स्टैंड लोगे, ठीक है। मुझे एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जैसे आपकी आपके काम में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपके बॉन्ड्स जो आपके आसपास लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं वो भी आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, लेकिन आपको अपने ओपिनियंस बहुत स्ट्रांगली वहाँ पर रखने की ज़रूरत है। और रही बात आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो आपको जाने नहीं देना चाहता, जैसे उस इंसान ने आपको पकड़ा हुआ है, आपने भी उस पर्सन को उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में पकड़ा हुआ है, लेकिन आपकी साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद से हाथ छोड़ना चाहते हो इस पर्सन का, ठीक है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि सामने वाले की जो एनर्जीज हैं वो कहीं ज़्यादा अटैच्ड हैं, ओके। तो वहाँ पे वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और उस एनर्जी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ डार्कनेस हो सकती है इस नेक्स्ट 24 आवर्स में, लेकिन वो डार्कनेस आपको लाइट की साइड लेके जाएगी। एक बॉन्ड में एक अच्छा चेंज आ सकता है, एक अच्छा टर्न आ सकता है, लेकिन तब आएगा वो जब आप भी उतना ही ज़्यादा उस पर्सन को दो जितना ज़्यादा वो पर्सन आपको दे रहे हैं, ओके। लेट्स सी हमारी मकर राशि। ओके, तो मकर राशि के लिए जो कार्ड आया है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कुछ स्टडी करते हुए दिखाई दे रहे हो, या जो आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने अपना एक्सपीरियंस अभी तक गेन किया है, नॉलेज अभी तक जो भी आपने गेन किया है, वो फाइनली अब आप उस चीज़ को अप्लाई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और जब आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे उससे क्या होगा, आपकी जो फाउंडेशन है, ठीक है, आपके काम का, आपके काम की जो बेस है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ वाली चीज़ भी बढ़ सकती है, अगर आप कोई सर्विस देते हो या कुछ भी ऐसा। 4th नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत स्टेबल एनर्जी फील करोगे आप नेक्स्ट 24 आवर्स में। और रही बात आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है मकर राशि, जैसे
पे आपको थोड़ा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी एनर्जी आपका ही टाइम मांग रही है, तो अगर आपको कोई और टाइम देता भी है या कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ध्यान उनके ऊपर इतना होगा, क्योंकि आपका ध्यान इन नेक्स्ट 24 घंटों में अपने ऊपर ही रहने वाला है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, तो थोड़ा सा आप कॉन्फ्लिक्टेड फील कर सकते हो। अब ये आपके करियर और आपकी लव लाइफ दोनों को ही लेके ये मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है। आपका क्राउन चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है, तो जब हमारा क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होता है, तो ना हम कोई गाइडेंस सुन पाते हैं, ना कोई गाइडेंस अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। हम भगवान से थोड़ा डिसकनेक्टेड फील करते हैं, हमारा मन नहीं करता है चीज़ें करने का। और वो क्यों है? क्योंकि आपकी मेंटली आपके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या तो आप वेट कर रहे हो कि कब ट्रांसफॉर्मेशन आए तभी आप वो चीज़ें करो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। चाहे वो आपका करियर है या वो आपकी लव लाइफ है, लव लाइफ में मुझे डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन पहले आपको अपने क्राउन चक्रा के साथ एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। मतलब कि प्रेयर्स करना, ठीक है, मेडिटेशन करना, कुछ ऐसी हाई वाइब्रेशनल चीज़ें करना जिससे आपकी वाइब्रेशंस और ज्यादा हाई हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। ओके, तो मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लव लाइफ, तो लव लाइफ में तो डेफिनेटली मुझे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। 8 नंबर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐसा, वो एक बहुत अच्छा टाइम है। ये एक बहुत अच्छा टाइम रह सकता है जहाँ पर आप अपनी फैमिली प्लानिंग करो या कुछ भी। काफ़ी लोग अपने पार्टनर के साथ किसी नई जगह पर भी मूव आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक नई जगह पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इवन दो इन 24 आवर्स में आपको हो सकता है कि थोड़ी सी आपको पावर लगानी पड़े कुछ डिसीजंस बनाने के लिए, लेकिन आप वो बहुत स्मूथली बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ बाहर लाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा काम करने की ज़रूरत है जहाँ पर आप अपनी खुद की लाइफ की स्पॉटलाइट में आओ। इट डजेंट मैटर कि आप सोशल मीडिया पर हो नहीं हो या कुछ भी, बट कुछ ऐसा करना जहाँ पर आप स्पॉटलाइट में आओ। नो मैटर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपकी दुकान भी है तब भी आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके आप स्पॉटलाइट में आ सकते हो, राइट। तो कुछ ऐसा करना जहाँ पे लोगों को आपका काम दिखे कि आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ पानी वाली जगह भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है। या तो आपकी इमोशनल क्लेंजिंग हो सकती है इन नेक्स्ट 24 आवर्स में, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी शिफ्ट करने वाले हो। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ, एंड आई होप आपको इसमें क्लैरिटी मिली हो। अब हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। सो जल्दी से अपनी आँखें बंद कीजिए, आँखें बंद करके कोई भी यस एंड नो में एक क्वेश्चन सोचिए। अगर आपने सोच लिया है तो ये है कार्ड 1 एंड ये है कार्ड 2। दोनों में से आपको एक कार्ड पिक करना है अपने क्वेश्चन को सोच के। आप पॉज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो दिस इज़ कार्ड 1 एंड दिस इज़ कार्ड 2। तो जिसने भी कार्ड 1 चूज़ किया है उनके लिए आंसर आया है येस। सो डेफिनेटली जो भी आपका येस एंड नो में क्वेश्चन है कि ये होगा नहीं होगा, आंसर इज़ येस। एंड सेकेंड दूसरा आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर ना ही हाँ में है ना ही ना में है। शायद से आप या तो गलत क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो या फिर आपको एक नई डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। सो ये थी हमारी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।